अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं? स्टूडेंट्स, हम मैट्रिसेस के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिसेस के चैप्टर में अब हम जो है वो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन से रिलेटेड प्रोसेसेस जो है उनसे गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। इसमें कुछ जो है वो हमें मैट्रिसेस जिनमें डिफरेंट जो है वो साइन या उसके प्रोसेसेस हैं उनके जरिए हम क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है एक मैट्रिक्स गिवन है 0 0 0 1। यानी ये हमें जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, प्लस इसके साथ एक और मैट्रिक्स हमारे पास है 0 2 3 0, और इसको क्या कर दिया गया है, ऐसे ब्रैकेट में क्लोज, प्लस क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड 0। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो देखिए सब ऐसे एक ब्रैकेट भी है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये तो मैट्रिक्स के लिए, उसको हम ब्रैकेट नहीं काउंट करेंगे। उससे अलावा ये जो राउंड ब्रैकेट हमने लगा लिया है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक ब्रैकेट इसमें यूज हो रही है। तो पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करना है। तो इट मींस पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम उसके साथ ऐड करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 0 2 0 3 1 0 और वो वाला वैसे लिख देना है 1 1 0। तो अब इनका रिजल्ट लिखते हैं, तो रिजल्ट इनका क्या बनेगा, 1 0 1 0 1 2 0 3 3 1 0 1, यहां पे आ गया प्लस 1 1 1 एंड 0। तो अभी देखिएगा ये हमारे पास क्या बन गया। अब हम इसको इन दोनों को, क्योंकि ये उसका रिजल्ट जो है हमने क्या कर लिया, फाइनल कर लिया, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 1 2 1 3 1 1 0। अब हम ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 0 1। तो ये क्या हुआ, ये इस प्रोसेस के जरिए हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये जो है वो हमने पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, उसके बाद हमने दूसरे को सॉल्व किया। अब इससे रिलेटेड हम जो है वो और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिएगा तो हमारे पास इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसका पार्ट सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड पार्ट हमारे पास, बल्कि सेकंड कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड में जो है वो इसे एक डिफरेंट प्रोसेस जो है वो इसमें यूज हो रहा है। तो पहले सेकंड जो है इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड वाले में दिया हुआ है 1, यानी यही जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बल्कि टोटल जो है वो क्या दिया हुआ, वही वाला जो हमने अभी भी सॉल्व किया है, 1 0 0 1, और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 0 2 3 0, ऐसे इस पे ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ गया, पहले प्लस था अब क्या आ गया, माइनस आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 1 1 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 0, फिर वो माइनस 1 1 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 2 3 1 माइनस 1 1 1 एंड 0। अब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 एंड 1 माइनस
जीरो। अब इनके रिजल्ट निकाल लेते हैं। वन में से वन माइनस करेंगे जीरो, टू में से वन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वन, थ्री में से वन माइनस करोगे टू, वन में से जीरो माइनस करोगे तो वन ही रहेगा। देखिए ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम है, सिर्फ ऑपरेशंस का डिफरेंट है कि उसमें यहाँ पे प्लस था, इसमें भी प्लस है, लेकिन उसमें यहाँ प्लस था और इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो ये जो है ये उससे थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस की वजह से डिफरेंट है और इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अब हम इसका कोई और एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट मजीद जो है वो क्लियर हो सके। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है वन टू थ्री और उसके बाद है टू थ्री वन, थर्ड रो हमारे पास है थ्री वन टू, फिर दिया हुआ है प्लस, प्लस में दिया हुआ है जीरो सॉरी वन जीरो माइनस टू, फिर है माइनस टू माइनस वन जीरो, एंड लास्ट पे दिया हुआ है जीरो टू माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और इनके बिटवीन में प्लस का साइन है। तब देखिएगा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वन प्लस, वहां भी प्लस है, प्लस वन आ गया, फिर टू प्लस जीरो, फिर थ्री, यहां प्लस है वहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये टू हो जाएगा, ये टू, यहां प्लस यहां माइनस माइनस टू, फिर थ्री माइनस वन, फिर वन प्लस जीरो, फिर आ जाएगा थ्री प्लस जीरो, वन प्लस टू एंड ये टू माइनस वन। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस वन टू, टू प्लस वन टू, थ्री माइनस टू वन, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस वन टू, वन प्लस जीरो वन, थ्री प्लस जीरो थ्री, वन प्लस टू थ्री एंड टू माइनस वन वन आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये हमने क्या कर लिया, ये उस गिवन प्रश्न के मुताबिक, और देखिए एलिमेंट्स में जो है वो डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस है उधर कोई भी माइनस का हुआ तो वो क्या हो गया, इसमें माइनस हो गया। तो ये स्टूडेंट्स ये अब हमने क्या किया, गिवन ऑपरेशन के मुताबिक जो है वो मैट्रिसेस को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने उसका जो है वो क्या किया, रिजल्ट फाइंड किया। ओके स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके अल्लाह हाफिज़।